हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्त्री की रचना। जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब उन्हें काफी समय लग गया। छठा दिन था और स्त्री की रचना अभी अधूरी थी, इसलिए देवदूत ने पूछा, भगवान आप इसमें इतना समय क्यों ले रहे हो। भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सारे गुणधर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए जरूरी है। यह हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। यह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है एवं खुश रह सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोच से लेकर टूटे दिल के घाव भी भर सकती है। यह सिर्फ अपने दो हाथों से कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा गुणधर्म यह है कि बीमार होने पर अपना ख्याल खुद रख सकती है एवं 18 घंटे काम कर सकती है। देवदूत चकित रह गया और आश्चर्य से पूछा कि भगवान, क्या यह सब दो हाथों से कर पाना संभव है। भगवान ने कहा, यह मेरी अद्भुत रचना है। देवदूत ने नज़दीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान यह तो बहुत नाजुक है। भगवान ने कहा, हाँ यह बाहर से बहुत ही नाजुक है, मगर इसे अंदर से बहुत मजबूत बनाया है। इसमें हर परिस्थितियों को संभालने की ताकत है। यह कोमल है पर कमजोर नहीं। देवदूत ने पूछा, क्या यह सोच भी सकती है। भगवान ने कहा, यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत ने नज़दीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोला, भगवान ये तो गीले हैं, लगता है इसमें से कुछ बह रहा है। भगवान बोले, यह इसके आंसू हैं। देवदूत, आंसू किस लिए। भगवान बोले, यह भी इसकी ताकत है। आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने एवं अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। देवदूत, भगवान आपकी रचना अद्भुत है। आपने सब कुछ सोच समझकर बनाया है, आप महान हैं। भगवान बोले, यह स्त्री रूपी रचना अद्भुत है। यही हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। वे सभी को खुश देखकर खुश रहती है, हर परिस्थिति में हंसती रहती है। उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा दे देते हैं, मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है। देवदूत, भगवान आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान बोले, ना अभी इसमें एक त्रुटि है, यह अपनी महत्ता भूल जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।